मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता जनाब, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई छोटा बच्चा किसी सुपर हीरो मूवी को देखता है तो वो अपने आप को एक सुपरमैन समझने लगता है। वो बच्चा सुपरमैन की तरह ही एक कपड़े को बांधता है और यहाँ से वहाँ कूदने लगता है। वो अपने लिए एक सपना देखता है कि वो बड़ा होकर आसमान में उड़ेगा और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करेगा। लेकिन तभी उसके पेरेंट्स उसे रोकते हुए कहते हैं, ज़्यादा उछलो मत, तुम कोई सुपरमैन नहीं हो, बस एक सामान्य इंसान हो। अगले दिन वो बच्चा स्कूल में जाकर अपने दोस्तों को बताता है कि वो बड़ा होकर सुपरमैन बनेगा और लोगों की मदद करेगा। उसके दोस्त उसे कहते हैं, पागल मत बन, ये सब सिर्फ फिल्मों में होता है। और ऐसा सुनते सुनते वो बच्चा बड़ा होता है। उसे ये बात सच लगने लगती है कि वो बस एक सामान्य इंसान है। और अगर वो लोगों से कहेगा कि वो सुपरमैन है तो लोग उसे पागल कहेंगे। दोस्तों, एक बात को हमेशा याद रखिए कि सिर्फ एक पागल इंसान ही इतिहास रचता है। बुद्धिमान इंसान तो केवल उस इतिहास को पढ़ता है। अपने अंदर के सुपर हीरो को कभी दबा कर मत रखिए, उसे कभी मरने मत दीजिए। डॉक्टर विवेक बिंद्रा अपनी एक वीडियो में कहते हैं, सम पीपल आर बिजी क्रैमिंग द हिस्ट्री वाइल सम आर बिजी क्रिएटिंग द हिस्ट्री। There are two kind of people in the world. Some are busy cramming the history, some are busy creating the history. किस जगह पे हैं आप? अगर आप भी इतिहास रचना चाहते हो तो आपको अपने अंदर के सुपर हीरो को जिंदा रखना होगा। दोस्तों, ऑथर रॉबिन शर्मा अपनी बुक द 5 AM क्लब में इतिहास रचने के 4 जरूरी तथ्य अर्थात द 4 फोकसेस ऑफ हिस्ट्री मेकर्स बताते हैं, और आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इतिहास रचने वाले लोग कौन सी 4 चीज़ों पर हमेशा फोकस करते हैं। नंबर 1, कैपिटलाइजेशन IQ। दोस्तों, ऑथर यहाँ बताते हैं कि हमें अपने IQ और पोटेंशियल्स को कैपिटलाइज करना चाहिए। हमें अक्सर स्कूल्स में ये बताया जाता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन इसलिए जीनियस थे क्योंकि उनका ब्रेन एक नॉर्मल ब्रेन से अलग था। स्टूडेंट्स इस बात को मान लेते हैं कि वो खुद कभी भी आइंस्टाइन की तरह नहीं बन पाएंगे। बिल्कुल हमारे अंदर के सुपर हीरो की तरह लोग हमारी सोच और हमारे पोटेंशियल्स को लिमिट करते हैं। हम जिंदगी भर यही सोचते हैं कि सक्सेसफुल लोग नेचुरल या गॉड गिफ्टेड टैलेंट की वजह से सक्सेसफुल हैं, लेकिन दुनिया को देखने का आपका ये नज़रिया बिल्कुल गलत है। अगर गॉड गिफ्ट से ही सब कुछ संभव होता तो शायद मार्क जकरबर्ग 6 साल लगाकर फेसबुक का प्रोग्राम ना लिखते, और शायद इलॉन मस्क 3 बार फेल होने के बावजूद भी स्पेसएक्स रॉकेट का चौथा लॉन्च ना करते। इसलिए दोस्तों, गलत नज़रिए से दुनिया को देखना छोड़ दीजिए और हमेशा याद रखिए, हार्डवर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। नंबर 2, फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। दोस्तों, ऑथर का ये कहना है, एन एडिक्शन टू डिस्ट्रैक्शन इज द डेथ ऑफ योर क्रिएटिव प्रोडक्शन। एन एडिक्शन टू डिस्ट्रैक्शन इज द डेथ ऑफ योर क्रिएटिव प्रोडक्शन। हमें अपने टाइम को नहीं बल्कि अपने फोकस को मैनेज करना चाहिए। 10 कामों को आधा अधूरा पूरा करने से बेहतर है कि आप किसी एक काम को पूरा करें। सभी स्पोर्ट्स का एक एवरेज प्लेयर बनने से बेहतर है कि आप किसी एक स्पोर्ट के मास्टर बने। बिल गेट्स भी कहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में इसलिए सफल बन पाया क्योंकि मैंने बहुत कम चीज़ों पर फोकस किया। फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ सोशल मीडिया से दूर रहना है। इसका मतलब ये भी है कि किसी एक काम को शुरू करने के बाद आपको बाकी कामों पर ध्यान न देकर केवल उसी काम पे ध्यान देना है। नंबर 3, पर्सनल मास्टरी प्रैक्टिस। दोस्तों, स्पार्टन वॉरियर क्रेडो का यह कहना है, पीपल हु स्वेट मोर इन प्रैक्टिस ब्लीड लेस इन वॉर। जीतता वही है जो जीतने की पूरी तैयारी करता है। आपको भी जीतने के लिए पूरी तैयारी करनी होगी। अगर आप किसी काम को पार्ट टाइम समझकर करते हो तो उस काम से आपको केवल पार्ट टाइम रिजल्ट्स ही मिलेंगे। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट एंडर्स एरिक्सन का ये कहना है कि किसी भी फील्ड में मास्टर बनने के लिए आपको कम से कम 10 सालों तक हर दिन 2 घंटे 44 मिनट प्रैक्टिस करनी चाहिए। अर्थात किसी भी फील्ड का मास्टर बनने के लिए आपको कम से कम 10,000 घंटों के लगातार प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसके अलावा अपनी फील्ड में मास्टर बनने के लिए आपको 4 चीज़ों पर हमेशा ध्यान देना होगा, और वो है,
माइंड सेट, हार्ट सेट, सोल सेट और हेल्थ सेट। ऑथर इन्हें द फोर इंटीरियर एम्पायर्स कहते हैं, जिन्हें बिल्ड किए बिना आप कभी भी किसी फील्ड के एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे। इसलिए दोस्तों, हमेशा अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस कीजिए, अपनी वीकनेसेस पे नहीं। नंबर फोर, डे स्टैकिंग। जैसे एक खूबसूरत बिल्डिंग छोटे छोटे ईंटों से बनती है, बिल्कुल वैसे ही एक खूबसूरत जिंदगी छोटे छोटे दिनों से बनती है। जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए आपको हर दिन कुछ ना कुछ हासिल करना होगा। अगर कोई पत्थर 100 बार हथौड़ा मारने पर टूटता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पहले 99 बार मारना बेकार था। अगर आप हर दिन अपने आप को केवल 1% इम्प्रूव करोगे, तो एक महीने में आप खुद को 30% इम्प्रूव करोगे। डे स्टैकिंग का सरल अर्थ यही है कि एक सक्सेसफुल जिंदगी सक्सेसफुल डेज को एक साथ जोड़कर बनती है। इसलिए हर दिन कुछ ना कुछ हासिल कीजिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों, अगर मैं इस वीडियो को जल्द से समराइज करूं, तो ये कुछ इस तरह से होगा। नंबर वन, हमेशा याद रखिए कि आप अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। नंबर टू, जिंदगी में सिर्फ एक लॉन्ग टर्म गोल को अचीव कीजिए और ऐसा करते वक्त डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। नंबर थ्री, अपने गोल को अचीव करने के लिए जो जरूरी एबिलिटीज हैं, उन्हें प्रैक्टिस द्वारा मास्टर कीजिए। और नंबर फोर, लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए आपको हर दिन कुछ ना कुछ जरूर हासिल करना होगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। मैं मिलूँगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।